मैनपुरी जिले के बिस्मत थाने में एक सनसनीखेज घटना से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार की रात कस्बा निवासी सर्वेश कश्यप पुत्र वीरेंद्र कश्यप की 12 वर्षीय बेटी रुचि शौच के लिए कहकर शाम 6 बजे घर से निकली थी। काफी देर तक जब वो घर नहीं पहुंची तब परिजनों को चिंता सताने लगी। परिजनों ने किशोरी को गाँव के बाहर काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन किशोरी का कहीं पता नहीं लगा। बुधवार की सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए निकले तब किशोरी का शव कस्बा निवासी चंद्र प्रकाश पुत्र ज्ञान सिंह के गेहूं के खेतों में पड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर ओम प्रकाश पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना की सूचना आला अधिकारियों को दी। सूचना पाकर एसपी मैनपुरी अजय शंकर राय, एडिशनल एसपी मैनपुरी ओम प्रकाश सिंह, सीओ सिटी अभय नारायण राय मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसके साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया। मामले की रिपोर्ट पीड़ित सर्वेश ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाने में दर्ज कराई है। सर्वेश कश्यप की बेटी रुचि 3 भाइयों में अकेली थी। आपको यह भी बता दें कि रुचि कस्बा स्थित गौतम बुद्ध स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा थी। रुचि के परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। वहीं किशोरी की दर्दनाक हत्या से कस्बे में भय भी व्याप्त है। देवी जो ना क्या गुड़िया की क्या नाम था आपको? ये कैसे गायब हुई थी? कैसे गायब हुई है? फिर दस 5 मिनट इंतजार करो जो ट्रेन आएगी। रुचि पता ना कहाँ बैठी पंचायत फिर टट्टी करना आई तो हमने एक देर इंतजार देखो हमने के भाई जे टट्टी करके जब ना आई तो हमने फिर लिखर के आए ढूंढने के लिए हम देख ले ये टट्टी अट्टी करती हो अबे आई ना है तो हम ढूंढ के चले गए घर। तो हमने अपनी जिठानी से कही हमने जी बिटिया मिली ना है ऐसे ऐसे कहाँ गई अब जिंदगी के तो वक पापे ढूंढो तो आदमी लेके चलो देर हो है जी तो है ना दिन तो है ना चलो देख लिए गए रात में फिर ढूंढते रहे। आज सुबह इसकी लाश यहाँ खेत में मिली है। खेत में सुबह मिली है हम सुबह ढूंढता ही आते। क्या उम्र थी आपकी गुड़िया की? क्या उम्र थी आपकी गुड़िया की? कितनी साल की थी वो? 10 साल 10 साल की है। 5 पढ़ती गुड़िया कब किस समय गायब हुई थी? 6 बजे। तो क्या करने आई थी? लेटरिंग। फिर क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ का हुआ मतलब यहीं से कोई पकड़ लाओ जे ताले ही पे लेटरिंग आई कोई दूर ना आई जगह नारे पे आई सो ना आई आड़ो ना कोई वहीं तो कोई पकड़ लाओ लाए के तो बेइज्जती इज्जती करके बाने पहचान लो कछु सही सही मान दो। सुबह मट्टी मिली रात भर तलाश करते रहे आप लोग? रात भर ढूंढी पूरी रात ढूंढी पूरी रात ही ढूंढी है तब सुबह मट्टी यहाँ डारी आए का सब खेतों में बरामद मिला है। सर पूरा मामला क्या है? थाना बिछवा का ग्राम बिछवा है उसमें एक कक्षा 5 की छात्रा का शौच के लिए गई हुई थी और जो लौट के नहीं आई तो परिजनों से काफ़ी तलाश किया और रात में व्हाट्सएप ग्रुप से प्रार्थना तो थाने की पुलिस भी आ गई थी मौके पर लेकिन सुबह उसकी उसका मृत शरीर चंद्र प्रकाश के खेत में पड़ा मिला है और उस पर सही चोट के निशान है। उसके शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर क्या डेड बॉडी को देखते हुए क्या लगता है कि उसके साथ क्या रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है? शरीर चोट निशान है अभी जो कि अंतरिक्षण नहीं हुआ है तो हम स्पष्ट बता नहीं पाएंगे क्या हुआ ये तो प्रथम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।